शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। पानी की मांग को लेकर दौलामेटी व माहड़ा कॉलोनी के नागरिकों ने वेना शुद्धिकरण केंद्र कार्यालय पर लाया मोर्चा। कोरोना की मार झेल रहे नागरिक अब गर्मी व पानी की समस्या की मार झेलना पड़ रहा है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी नागरिकों को पानी समस्या नहीं आएगी, यह अपेक्षा थी, लेकिन लॉकडाउन व धारा 144 के बावजूद लोग पानी की समस्याओं को लेकर महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के अधिकारियों को मिल रहे दौलामेटी गाँव के नागरिकों को पिछले 7 दिनों से जलापूर्ति नहीं होने से गुरुवार की सुबह 11 बजे के दौरान वेना शुद्धिकरण केंद्र स्थित जलापूर्ति कार्यालय पर नागरिक पहुंचे। इस बात की जानकारी अभियंता नरेश शनवारे को मिलते ही शनवारे वेना वाटर कार्यालय पहुंचे। नागरिकों ने शनवारे को जलापूर्ति नहीं होने की जानकारी दी। शनवारे ने बताया कि नियमित समय पर जलापूर्ति हो रही है, लेकिन नियमित पानी दिया जाता है तो पानी कहाँ जा रहा है, यह सवाल नागरिकों ने अभियंता से किया है। दौलामेटी हेटी माहड़ा कॉलोनी को जलापूर्ति नहीं हो रही है। शनवारे ने नागरिकों को बताया कि 40 लीटर पानी प्रति व्यक्ति को देना आदेश है, लेकिन 100 लीटर दिया जा रहा है, जिसके कारण पानी की कमी हो रही है। नागरिकों ने भी सवाल उठाया कि अवैध जलापूर्ति लेने वालों पर कार्रवाई की जाए। लॉकडाउन व धारा 144 होने के बावजूद भी लोग पानी समस्या को लेकर वेना वाटर पहुंचे, जलापूर्ति करने का आश्वासन दिया गया। नल कनेक्शन के पैसे लोगों से लिए गए, लेकिन पानी नहीं देने का आरोप हो रहा है। वेना पर लोगों का मोर्चा आने की जानकारी वाड़ी पुलिस को दी गई। वाड़ी पुलिस वेना वाटर पहुंची तब नागरिकों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया हुआ था। पूर्व सरपंच संजय कपनीचोर के नेतृत्व में यह मोर्चा लाया गया। कपनीचोर ने कहा, शाम तक पानी देने का वादा शनिवार ने किया है, लेकिन आज भी पानी नहीं मिला तो आंदोलन करने की चेतावनी कपनीचोर द्वारा दी गई है। आज या महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण ऑफिस मध्ये हेटी गाँव माहड़ा कॉलोनी या परिसरातील सर्व नागरिक या ठिकाणी जमलेले आहे। मी पण या ठिकाणी लोकांसोबत आलेला, 144 धाराचं उल्लंघन झालं आहे, त्याबद्दल मी प्रशासनाची माफी मागतो। कारण लोकांना पाणी मिळत नाही म्हणून लोक घराच्या बाहेर निघालेले आहे, आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणचं जे आम्ही ऑनलाईन कंप्लेंट केली, फोन करतो, त्याच्यावर समाधान न झालं, त्याच्यामुळे आज या ठिकाणी पाण्याकरता या महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणच्या ऑफिसमध्ये यावं लागलं। व त्यांनी आश्वासन दिलं की आज आम्ही सायंकाळी पाणी सोडू। जर त्यांनी आमचं आश्वासन हे पूर्ण जर नाही केलं तर यानंतर आम्ही खूप मोठं आंदोलन करणार आहोत व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणचे जे उलटे सीधे उत्तर आहे त्यांना आम्ही दाखवून देणार आहोत। मुख्य अभियंता नरेश शनवारे ने कहा, नियम के हिसाब से ही वॉल कंट्रोल किया जाता है, पानी घर तक क्यों नहीं मिल रहा है ये चेक करने के आदेश कर्मचारियों को दिए गए है। मेरा डिस्ट्रीब्यूशन जो है जो 2 बजे के बाद में, 2 बजे से तो 7 बजे तक के हेटी की टाकी भरेंगी, उसके बाद में 7 बजे बंद करने के बाद में हिलटॉप की जो टाकी है पुरुषोत्तम नगर की वो भरने का अपने जो रात भर रहेगा, और वो हिसाब से अपन शाम को ही पानी छोड़ेंगे। अभी शाम को टाकी भरने के बाद में, क्योंकि पानी गायब हो जाता है इसलिए शाम को ही छोड़ देंगे। नहीं, वो पानी तो जा रहा है, वो तो एक चमत्कार है कि पानी वो 24 तास तो वहाँ ये नहीं कर सकते ना अपन। इस मोर्चे में पूर्व सरपंच संजय कपनीचोर, आरती डोके, देवराव नेवारे, सुनील आडोलकर मुख्य रूप से उपस्थित थे। इन बीसीएन न्यूज के लिए वाड़ी से सुनील शेट्टी के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।